वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि चिंता ही चेता का विषय है, और अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो आज के बाद शायद आप चिंता ना करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना और जो चीजें मैं कह रहा हूं उस पर आपने इंप्लीमेंट किया, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप चिंता की प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। एक हैप्पी लाइफ अपने आप यहां से शुरू कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अगर एक कमरा है जिसमें से हवा को पूरी तरह से बाहर निकालकर उसे परफेक्ट वैक्यूम कर दिया जाए, अब अगर उसमें एक छोटा सा छेद करेंगे तो हम देखेंगे कि एकदम से हवा उसके अंदर एंटर कर रही होगी। नेचर का एक रूल है, कई सारे फिजिसिस्ट इस बात को कंफर्म करते हैं कि जहां कहीं जगह खाली होगी वहां पर कुछ न कुछ आके उस खाली जगह को, उस रिक्त स्थान को भर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारा दिमाग खाली है या फिर किसी इस तरह के काम में लगा हुआ है जहां दिमाग को एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना पड़ रहा हो, तो फिर हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स एंटर करने लगते हैं। क्योंकि लॉ तो बिल्कुल सिंपल है, जो चीज खाली है उसमें कुछ न कुछ आएगा। अब ये थॉट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट 99% केसेस में ये थॉट्स नेगेटिव होते हैं। ऐसे थॉट्स होते हैं जिससे आपकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो एक सॉल्यूशन है, आपको अपने दिमाग को किसी एक्टिविटी में एक्टिवली लगाना होगा। आपका दिमाग पूरी तरह से उलझ कर रहना चाहिए, आपके पास चिंता करने के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कैसे हो सकता है, आइए आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं अपनी एक रिलेटिव को जानता हूं, और ये यंग लेडी जब अपने बच्चे को स्कूल भेजती थी तो इन्हें पूरे टाइम डर लगा रहता था कि बेटा स्कूल में जब गया है तो पता नहीं वो वहां क्या कर रहा होगा, कहीं उसे कोई चिढ़ा तो नहीं रहा है, स्कूल में पता नहीं वो खुश है या नहीं है, कहीं वो गिर ना गया हो, कहीं उसे लग ना गई हो। माँ का दिल है, हो ही जाता है ऐसा। बाद में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो पूरी तरह से खुश थी। मैंने उनसे पूछा कि अब ऐसा क्या चेंज हो गया जो आप पूरी तरह से खुश हैं। उन्होंने रिप्लाई दिया, एक्चुअली अब मैंने अपना बुटीक खोल लिया है, तो नई नई ड्रेसेस डिजाइन करने में, मार्केट जाने में, कपड़ा खरीदने में, लोगों से बात करने में अब मेरे पास समय ही नहीं बचा कि मैं बाकी किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सकूं जो मेरी चिंता को बढ़ा रहा। तो अब वो कहती हैं, आई हैव नो टाइम टू वरी। कुल मिलाकर मैं आपसे भी बस यही कहना चाहता हूँ स्टोरी के माध्यम से, इफ यू आर वरीड अबाउट समथिंग, आप अपने आप को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने में अपने माइंड को इन्वॉल्व कर दीजिए। बैठ कर ये सोचते रहने से नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या फिर कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। और मेरा सिंपल ये मानना है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उनके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, राइट? केवल परेशानियां ही बढ़ती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप अपने चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, पूरे टाइम आप मुस्कुरा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आज आपकी जो चिंता की परेशानी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।